हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं आरकेएस टेक्निकल चैनल को। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास एक फ़ोन है जो कि जियो का, और इस फ़ोन का जो प्रॉब्लम है, ये फ़ोन डेट है। मैंने इसको फ्लैश करने की कोशिश की लेकिन ये फ़ोन फ्लैश भी नहीं हो रहा है और फ़ोन चालू भी नहीं है और इस मदरबोर्ड में शॉर्ट भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मदरबोर्ड में शॉर्ट भी नहीं है, तो इसके बावजूद ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमको करना क्या है, ये जो आईसी का ऊपर जो ट्रे है इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप ऐसे कोई मोबाइल स्टैंड का यूज कीजिए। तो फिर जब भी आप किसी ट्रे को रिमूव करते हो, अगर ऐसे पेस्टिंग ट्रे है तो आप इसी तरीके से रिमूव करो। तो क्या होता है, ये जो मदरबोर्ड है डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है। आप देख सकते हैं, मैं पहले इसको ट्वीजर से रिमूव करने की कोशिश किया, ये देखिए यहाँ पे जो ट्रैक है वो उठ गया। तो आप इसी तरीके से आप जो ब्लोअर है आपका, ब्लोअर मशीन से आप हल्के से हीटिंग दो और इसको ट्वीजर से थोड़ा प्रेशर दो, तो क्या होता है, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये रिमूव हो गया। बाद में इसको फिटिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड, इसमें स्प्रेड डैम का प्रोसेसर लगा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में शॉर्ट बिल्कुल नहीं है, तो फ्लैशिंग भी नहीं हो रहा है और शॉर्ट भी नहीं है। इसके बावजूद जो है फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली इसका जो प्रोसेसर है इसका प्रॉब्लम है। तो हमको करना क्या है, इसको थोड़ा सा रीहॉटिंग करना है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए इसका जो प्रोसेसर है इसको थोड़ा सा रीहॉटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके पास कोई भी डेट प्रॉब्लम के लिए फ़ोन आए, आप सबसे पहले आईसी पे रीहॉटिंग मत कीजिए, क्योंकि रीहॉटिंग करने से आईसी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप सबसे पहले मदरबोर्ड में शॉर्ट है क्या, आप उसको चेक कीजिए, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर में चेक कीजिए, फिर भी अगर नहीं होता तब आप रीहॉटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आप अपने कोई भी डेट फोन को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।